आपके अपने चैनल संजीव सर मैथ सॉल्यूशन के अंदर। स्टूडेंट नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स व्हेन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट और सर्कल इज गिवन। हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट्स? स्टूडेंट्स कैसे एक सर्कल पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जब हमारे को सर्कल का सेंटर भी नहीं पता है और वहां उसके बाहर एक पॉइंट पी से टू टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है। देखिए क्या करना है हमने। सबसे पहले हमने एक किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक सर्कल बना लिया और हमें ये पता नहीं इसका सेंटर क्या है। सबसे पहला काम होगा हमने इसका सेंटर ढूंढना है। वो कैसे? हाउ टू फाइंड इट्स सेंटर। तो स्टूडेंट आपने टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी और सी डी ड्रॉ कर ली, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिनका नाम हमने ई एफ और इसका परपेंडिकुलर सेक्टर का हमने नाम जी एच लिख लिया। परपेंडिकुलर सेक्टर कैसे निकालते हैं? एक लाइन लीजिए, कोई भी लाइन मान लो यहाँ पे एक लाइन ली मैंने, इसका परपेंडिकुलर सेक्टर कैसे निकालते हैं? आधे से ज्यादा यहाँ चाप लगा दी, आधे से ज्यादा यहाँ, दोनों तरफ से ऐसे एक परपेंडिकुलर सेक्टर हो जाता है। कैसे? हाफ से ज्यादा आर्क यहाँ से और वहीं से सेम, फिर दूसरी तरफ से दोनों तरफ जहाँ पे कट जाएंगी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये इस प्रकार से परपेंडिकुलर सेक्टर हमने ड्रॉ किए। किसके ड्रॉ किए? ए बी और सी डी के। दोनों परपेंडिकुलर सेक्टर अपने पास ओ पे कटेंगे। ओ हमारा इससे आ गया सेंटर। एक पी पॉइंट लिया बाहर आउटसाइड द सर्कल, ओ और पी को ज्वाइन कर दिया। अब आपने ओपी का परपेंडिकुलर सेक्टर हाफ से ज्यादा, ओपी के आधे से ज्यादा खोलकर प्रकार को कंपास को चाप लगाई ऊपर एक नीचे। इसी प्रकार फिर पी से सेम आर्क लेकर एक चाप यहाँ से एक यहाँ से पी पे रखे निडल को। चाप लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये आपस में आई और जे पे कट के यहाँ ज्वाइन कर देंगे। दिस इज आवर परपेंडिकुलर सेक्टर ऑफ ओ पी। अब आपने क्या करना है? एल पे प्रकार की सुई निडल जो है वहां रखकर उसको ओ एल जाम पी एल के बराबर खोलकर एक सर्कल बना देंगे। जो सर्कल गिवन सर्कल जो पहले वाला सर्कल है इसको यू और बी, ये बी पॉइंट और यू पे काटेगा। ओ पी यू और पी पी को मिला दें तो ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल होंगे। अब देखिए कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप क्या होंगे। नंबर वन, ड्रॉ अ सर्कल विद एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक सर्कल बना दे। उसके बाद दूसरे नंबर पे टेक ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी विच आर नॉन पैरेलल, जो पैरेलल ना हो ऐसी दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने ड्रॉ करना है ड्रॉ परपेंडिकुलर वाई सेक्टर्स ई और एफ। एंड दूसरा आपने देखा ये हमारे पास एक आई है, एक जी है, एक एच है, तो ये परपेंडिकुलर सेक्टर सी डी के है, इसे आप नाम देंगे जी एच ऑफ ए बी एंड सी डी बोथ कट्स ईच अदर एट ओ। ओ पे कट गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ पे कट गई है दोनों परपेंडिकुलर सेक्टर ई एफ और जी एच। तो आपने एक पॉइंट पी लिया, टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एंड ज्वाइन ओपी, ओपी को मिला दे और पी को मिला दे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर वाई सेक्टर
आई जे ऑफ ओपी विच कट्स ओपी एट एल। तो आपने देखा अभी परपेंडिकुलर सेक्टर आपने निकाला ओपी का, ये यहां पे यहां आर्क लगी यहां पे, और ये आई और जे आ गया, तो ये एल पे कट करता है। ड्रॉ परपेंडिकुलर सेक्टर आई जे ऑफ ओपी विच कट्स ओपी एट एल। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल जिसका सेंटर एल आया, एल को मतलब यहां पे निडल रखेंगे कंपास की, और प्रकार को ओपन करेंगे कितने तक, आप चाहे ओ एल के बराबर खोल ले पी एल दैट इज सेम थिंग, विच कट्स द प्रीवियस सर्कल पहले वाले सर्कल को एट यू एंड बी। तो उसके बाद आप यहां लिख सकते हैं, अब सेवंथ में क्या लिखेंगे, ज्वाइन जहां आपने यू और बी पे कटा, इसमें यू और बी पे कटा पुराने सर्कल को, तो ज्वाइन कर दें पी यू एंड पी बी। सो पी यू एंड पी बी आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ में एक बार पहले देख लें वीडियो को, दूसरी बार चाहे पहली बार ही आप साथ में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि पहली बार में ये कंस्ट्रक्शन करनी आ जाएगी। एक बार स्टूडेंट्स हम रिवीजन करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये एक सर्कल हमने किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से बैंगल के साथ या कोई भी गोलाकार वस्तु के साथ एक सर्कल बना दिया, एसी और सीडी दो नॉन पैरेलल कोर्स ड्रा कर दी सर्कल पर, उसके परपेंडिकुलर सेक्टर ईएफ और जीएच निकाल दिए, तो वो अपने ओ पे कट गए, ओ फिर उसके बाद कटने के बाद एक पी पॉइंट आउटसाइड सर्कल लिया, ओपी को ज्वाइन कर दिया, इसका परपेंडिकुलर सेक्टर ओपी का आई जे खींचा जो ओपी को एल पर काटेगा, फिर आपने एल पर सेंटर मानकर ओ एल जहां पीएल को आप रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जो पुराने प्रीवियस सर्कल को यू और बी पे काटेगा, फिर उसके बाद आपने पी यू को और पी बी को मिला देना है, इस प्रकार से हमारे दोनों पोर्ट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स ये हुआ आज का चैप्टर नंबर 11 का सेवंथ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमने बाकी भी 11 चैप्टर के काफी क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं, कंस्ट्रक्शन बनाई है और 11.2 के भी बनाए हैं, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी वीडियो में डाल दी गई है, संजीव सर मैथ सॉल्यूशन को देखिए, उसमें से आप ट्रिग्नोमेट्री के कम आई थिंक 18-19 वीडियो बनाई है, उसको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, और बेल आइकॉन को दबाते रहें और एंजॉय करते रहें हमारी वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद, नाइस मीट यू।